नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एसएससी की बुलेट ट्रेन एकदम अपनी रफ्तार से चल रही है। अभी देखा आपने सीजीएल, उसके बाद से अब अगला नोटिफिकेशन आपका सीएचएसएल का भी जारी हो चुका है। तो जो बच्चे 10+2 पास कर चुके हैं और सीएचएसएल की तैयारी मतलब देना चाहते हैं एग्ज़ाम को, वो इस फॉर्म को फिल कर दें। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका एग्ज़ाम डेट भी एक्सपेक्टेड बता दिया गया है कि आपका कब होगा। तो देखिए, इस नोटिस में आपका यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि कब से इसकी फॉर्म फिलिंग है। कल से ही, मतलब ये आज 9/5/2023 से लेकर 8/6/2023 तक, कल ही ये आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 8/6 है, 8 जून तक आपका ये चलेगा। उसके बाद से पेमेंट की 10 तारीख है, ऑफलाइन पेमेंट की 11 तारीख है, चालान के थ्रू 12 तारीख डेट है। और उसके बाद से विंडो ऑफर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए, तो वो 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपका करेक्शन खुलेगा। पहला जो टीयर होगा, टायर वन एग्जाम होगा, वो अगस्त में यहां पर बोला गया है। टायर टू के लिए अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, आपको नोटिफिकेशन उसके लिए बाद में आएगा, आप देख लीजिएगा। बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपके सीएचएसएल में। तो देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए की ये पोस्ट है, दो पोस्ट है आपका, पे लेवल 2 का है। और ओवरऑल आपकी अगर हम मैट्रिक्स देखें तो आपका जो पे मैट्रिक्स है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद से यहां पर जो है दूसरा जो पोस्ट है आपका, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का पोस्ट है, ये पे लेवल 4 का है। ये इसका जो पे मैट्रिक्स है आपका यहां पे है लेवल 5 का है, ठीक है। यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो यहां से यहां तक की इनका लेवल जो 5 है, उनका मैट्रिक्स जो है यहां से लेकर यहां तक है। और ये पे 4, अगर पे लेवल 4 पे है तो ये मैट्रिक्स होगा आपका। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात किया जाए तो वो आपके इस लेवल पे मैट्रिक्स इनका होगा, वो भी 4 लेवल का होगा। वैकेंसी की बात किया जाए कि अभी वैकेंसी कितनी है, तो अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी है बोला गया अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी है, ठीक है। यहां पर अभी जो बोला गया है नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1600 है, बाकी आगे बढ़ भी सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बाकी रिजर्वेशन का दिया गया है, आपका रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, इन सब चीजें के बारे में है। आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो भैया इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए या नेपाल का, ऐसे भूटान का, ऐसे जनरली जो आपका होता है फॉर्म में उससे आपको मतलब नहीं है। एज आपका देखिए, एज वाला जो सबसे ज्यादा दिक्कत चल रही थी बच्चों का, वहां पर यहां पर भी अगर एज लिमिट देखा जाए 1/8/2023 को, मतलब आपका अगस्त में मांगा है, और यही दिक्कत है सबसे बड़ी। यहां 1/8/2023 से अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी आपका 14/7/1988 एज लिमिट विद द पोस्ट ऑफ 18 से 27 साल होना चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये ध्यान रखिए, एज आपका 18 से 27 होना चाहिए और लास्ट डेट कब तक, कब होना चाहिए आपका, 1/8/2023 तक आप 27 साल से तक होने चाहिए, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। बाकी रिलैक्सेशन आपका जो मिलता है सेंट्रल में वही है आपका, 5 साल 3 साल 10 साल। तो 5 साल एससी एसटी ओबीसी, 3 साल बाकी आपका यहां पर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब मेन में आता है सर्टिफिकेशन वाला, जो आपका रिजर्वेशन का है वो आप नया रखिएगा, कोशिश करिएगा सेंट्रल के फॉर्मेट में हो, ओबीसी का खासकर तो ज्यादा उचित रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ये ध्यान रखिए कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो इनकम है 22-23 में उसके अकॉर्डिंग आपका बनना होना चाहिए, तो वो बात ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं आपके, हाँ, कि पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में अप्लाई आप एसएससी की वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। ऑलरेडी आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो ये पुराना रजिस्ट्रेशन डाल के आप फिर से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए है, ये सब ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब मेन उस पर आ जाते हैं, सेंट्रल आप अपना चूज कर लीजिएगा जिस रीजन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं बता दूं, जैसे चेंजेस हुए थे आपके पहले उसी बेस्ड पे है, इस पर एक एग्जाम हो चुका है आपका ऑलमोस्ट। तो टायर वन और टायर टू एग्जाम होगा, मेरिट आपकी बस टायर टू के बेसिस पर बनेगी। टायर वन एक तरह से आपका बोला जाए कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा टायर टू के लिए, ठीक है। अब देखो, मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, तो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बारे में बोला है। आंसर की भी जल्दी दे दी जाएगी, और अगर आपको आंसर में किसी में दिक्कत होती तो आपको 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको क्या करना है,
क्लेम चार्जेस देने हैं, ये सब कुछ यहां पर पहले से बता दिया गया है। अब टेयर वन में जो आपका एग्जाम होगा वो क्या क्या होगा, तो जैसा होता है कि बेसिक लैंग्वेज आपका क्या, इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, आपका रीजनिंग जो होगा वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा, मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50, ये आपके सेक्शन रहेंगे। आपके ओवरऑल 50-50 मार्क्स के हैं, मतलब 200 मार्क्स आपका होगा, ठीक है। निगेटिव जो है 0.50 है आपका, तो ये तो आपका टीयर वन के बारे में हो गया। टोटल टाइम आपको 60 मिनट आएगा और जो स्पेशल कैंडिडेट है मतलब जो आपके पीएच वाले हैं उनको 80 मिनट दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो लोग टायर वन को क्वालिफाई कर लेंगे, टायर टू में फिर उनकी एंट्री होगी। और एक देखा बताया जाए कि टायर वन का भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, और टायर टू के भी हर सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको भी मैं बता दूंगा। तो यहां पर टायर टू में जब आप आओगे तो टायर टू में आपका सेक्शन वन और सेक्शन टू है, हर सेक्शन का एक घंटा आपको अलॉट किया जाएगा। सेक्शन वन में आपका जो है दो मॉड्यूल है, सेक्शन वन में मॉड्यूल आपका दो है, एक मैथ है एक रीजनिंग है, 30-30 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 60 × 3 = 180 मार्क्स आपके यहां पे हो गए। उसके बाद से आपका जो सेक्शन टू है ये भी आपका 1 आवर का होगा, ये भी आपका 1 आवर का होगा। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश के अच्छे खासे क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है और जीएस आपका 20 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का वेटेज आपका अच्छा खासा है इसमें, 60 × 180 नंबर का ये भी हो गया। ये तो हो गया आपका सेशन वन, ठीक है। उसके बाद से आपका सेक्शन थर्ड जो है, दो सेक्शन यहां पे हो गए और तीसरा सेक्शन आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जो मार्क्स है वो आपका जुड़ेगा नहीं, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है 15 क्वेश्चन होगा, 45 मार्क्स का होगा, इसको सिर्फ 15 मिनट का होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। इसका नेचर क्या होगा कि आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। उसके बाद से दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। अब दूसरे सेशन में क्या होगा आपका, उसी सेक्शन थर्ड की बात करें, सेशन दूसरे में क्या होगा, यहां पर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल, अगर पहला मॉड्यूल सेक्शन थर्ड का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टेस्ट है आपका, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 15 क्वेश्चन होगा। अब प्रैक्टिकल होगा आपका, टाइपिंग वाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा, तो वो ओवरऑल दूसरा मॉड्यूल हो गया आपका इस सेक्शन थर्ड का। तो यहां पे पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया है, स्किल टेस्ट फॉर डीओ इन डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, ये 15 मिनट का होगा। और यहां पर भी दिया गया है कि जो पैरा में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पर स्किल टेस्ट होगा, यह भी 15 मिनट का होगा। उसके बाद से आप ध्यान देखिए, यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा, किस पोस्ट के लिए, एलडीसी और जीएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा जो 10 मिनट का होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, तीन पार्ट में जो जैसे जैसे पोस्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग उसे देना पड़ेगा। यहां पर कुछ चीजें आपको लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन वन में आपको मैथ और रीजनिंग है, सेक्शन टू में आपका इंग्लिश और ये है, सेक्शन थर्ड में आपका कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट है जो आपका क्वालिफाइंग है, अगर सेक्शन थर्ड की बात किया जाए तो। तो यही बोला, टायर टू विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, सेशन वन सेशन टू। सेशन वन विल बी कंक्लूड कंडक्टिंग सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन सेकेंड विल बी कंक्लूडेड कंडक्टिंग द मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन थर्ड, ठीक। उसके बाद इट विल मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट क्वालिफाई सेक्शन ऑफ टायर टू, ऑल द सेक्शन, जितने सेक्शन हैं सभी टायर टू के क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, टायर टू सभी के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ इच रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान दीजिए, यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितना, 1 मार्क है टीयर टू में इच रॉन्ग आंसर एंड सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड में, एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड। और जो मॉड्यूल फर्स्ट है सेक्शन थर्ड का, जो आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर साफ साफ बोला है। सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड में तो है, और थर्ड सेक्शन का जो मॉड्यूल वन है जिसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे उसमें भी है, इसीलिए बच्चे कहीं पिछली बार धोखा खा गए थे कंप्यूटर में। मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये मैंडेटरी है लेकिन इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, ये आपका क्वालिफाइंग है नेचर में। उसके बाद से जो मॉड्यूल सेकंड है सेक्शन थर्ड का, वो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है और ये भी आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। बोला है सेकंड मॉड्यूल जो थर्ड सेक्शन का है, स्किल और टाइपिंग टेस्ट सेशन सेकंड ऑन द सेम डे, मतलब आपका जो होगा ये भी सेकंड जो सेशन है सेम ही दिन होगा जिस दिन आपका पेपर होगा। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग नेचर, मैंने पहले भी बता दिया है आपको।
ठीक है। एरर ऑन द स्किल टेस्ट जो कैलकुलेट होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो दे दी जाएगी आप लोगों को स्किल टेस्ट के बारे में, ठीक। तो ये सब चीजें आपको दिया गया है स्किल टेस्ट के बारे में क्या क्या है। बाकी आपको सिलेबस दिया गया है जनरल, वही सिलेबस है आपका पहले टीयर वन का सिलेबस दिया गया है कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछेगा, क्वांट में क्या पूछेगा। उसके बाद से आप आ जाओगे तो यहां पर टीयर टू का आपका सिलेबस दे दिया है कि टीयर टू में हम क्या क्या पूछेंगे, तो पूरा का पूरा आपका रख दिया गया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ये ध्यान रखिएगा अभी 1600 वैकेंसी है, तो इसके लिए ये मत सोचना कि सिर्फ 1600 वैकेंसी है तो क्यों करें, 1600 से ये बढ़ भी सकती है। और यही बात कंप्यूटर की जो सबसे ज्यादा परेशान करता है आप लोगों का, चाहे वो CHSL हो चाहे CGL हो, दोनों में मोड एक ही है। तो कंप्यूटर का एक डिफाइंड सिलेबस है, इसके लिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्पेशल मैराथन, अगर मैं बताऊं मेरी एक 9-10 घंटे की मैराथन लगी हुई है, अगर उसको देख लेते हो ना तो इसमें आप क्वालिफाई तो आराम से कर ले जाओगे, उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका जो लोग बच्चे एडमिशन मतलब आपका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं CHSL का, साथ साथ आपका CGL वाला भी लगा हुआ है, अब CHSL भी आ गया, और आपका जल्द ही आपके ऐसे बुलेट ट्रेन चलती रही तो MTS का भी फॉर्म आने वाला ही है। तो ये ध्यान रखिए आप सभी लोग समय के अनुसार फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी पर लग जाइए और मेहनत करिए। आपके साथ जो भी हो सकता है आपकी मदद करने के लिए परीक्षा प्लस टीम आपके साथ है। SSC फाउंडेशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं, उसे आप देखते रहिए, पूरा पूरा उसमें कराया गया है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ है, वो पर्टिकुलर आपकी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप YouTube चैनल से उस क्लासेस को देख सकते हैं। तो अभी कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग हमें मिलती है तो हम जरूर आपके समक्ष आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। आप लोगों को अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।